Assalamu alaikum, this is Sean or Shehzad Azimi from Guru, Canada. I'm here with Mr. Abdul Manana Sehrwardi Sahib. He is a librarian and also in charge of all publishing needs of Faiz Qalandar Sahib's mission, which is Sehrwardi mission in Lahore. And I would like him to introduce some of the books which are present in the library, which are written by Faiz Qalandar Sehrwardi Sahib. And you're welcome to order. I'll also provide you your phone number as well, where you can get it, and also the address of this place as well in this video. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahib Faiz Qalandar Sehrwardi rahmatullahi alayh. आपने 36 के करीब तसल्लुफ लिखी और माशाल्लाह बड़ी मुस्तक किताबें आपने लिखी. इसमें मैं आपको दिखाता हूँ प्लीज. आपकी एक बड़ी ही खूबसूरत किताब जमाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी. इसमें आपने आप सरकार की आमद का जो मकसद था वो बयान फरमाया है कि आप दुनिया में रहमतुल आलमीन बन के आए. आपके आने से पहले क्या हालात थे और आपके बाद क्या हालात हुए. बड़ी खूबसूरत किताब है माशाल्लाह. इसे आप पकड़ेंगे, मैं आपसे कुछ लेता हूँ. दुख्तर मिल्लत ये हर घर में होनी चाहिए. ख्वातीन के मसले हैं और आजकल शादी के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके ऊपर बड़ी वजाहत से आपने बयान फरमाया है कि इस्लाम में सबसे आसान चीज शादी है जिसको हमने बहुत मुश्किल कर लिया है. बड़ी खूबसूरत किताब है, ये हर घर की जरूरत है और ये होनी चाहिए. And I will be also translating this book in English, inshallah. When it's ready, you guys will be able to get this book via Blue Moon as well, inshallah. एक बुक है कि मिलादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इसमें भी आपने बड़ी ही खूबसूरती से असल मिलाद क्या है. हम तो मिलाद सड़कें बंद कर देना, सबीले लगा देना, ये मिलाद नहीं. मिलाद वो है जो अल्लाह ने मनवाया, जो फरिश्तों ने किया, खुशी मनाया. आप जहाँ जाते थे आप सरकार फरिश्ते उसके ऊपर साया करते थे अपने पैरों का, ये मिलाद है. उसके बारे में आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है, ये पढ़ना चाहिए. असल में इससे पढ़ के हमारे दिल में सरकार की मोहब्बत पैदा होती है. वो मोहब्बत के बारे में उन्होंने बड़ी तफसील से बयान फरमाया है. प्लीज रमजान करीम का महीना, माह रमजान के बारे में बड़ी तफसीली इसमें गुफ्तगू की गई है. रोजे किस तरह रखने हैं, तरावी किस तरह पढ़नी है, और आपने ये बयान फरमाया है कि ईद वो ईद नहीं जिस पे हम नए कपड़े पहन के फिरते हैं. ईद वो होनी चाहिए जो अल्लाह को पसंद है. ये इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, आपको बड़ी इसमें खूबसूरती आएगी. बाकी मजीद आपकी जो कुतुब है वो हम बड़ी तेजी से छुपवा रहे हैं और इंशाल्लाह आपको इसी मरकज से वो मिलेंगे. सर आप ऑडियंस को बताएंगे कि ये अगर किसी ने इन किताबों को ऑर्डर करना हो तो उसका तरीका का आपको फोन नंबर या कोई एड्रेस आप उनको बताएंगे कि हम ऑडियंस को दे सकते हैं. जी ये आपको इसमें कोई भी बुक्स चाहिए होगी तो ये इसके ऊपर हमारा मुकम्मल पता लिखा हुआ है. जी ठीक है जी. और इसके आखिरी पेज पे भी हमारे जो इंचार्ज हैं उनका नाम और मकम्मल उनका एड्रेस है. आप इस नंबर पर रब्ता करके, मेलिंग एड्रेस भी है वो मैं आपको बता दूंगा, उस पर आप ऑर्डर दे सकते हैं, हम आपको पोस्ट कर देंगे. जी बेहतर सर, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा सर आप अगर कुछ ऑडियंस के लिए कुछ जिस चीज़ को आप पर्सनली इंस्पायर होते हैं अबुल फैज साहब के बारे में जो आपको डेली रोज मतलब डेली आप उठते हैं तो आपको कौन सी चीज़ को खास ऑडियंस को बताएंगे जो आप उनसे बातें तो बता रहा होंगी लेकिन कोई ऐसी खास बात जिससे हमारे ऑडियंस को इंस्पायर हो या आप इंस्पायर हो. देखिए अपने सिलसिले की हर कोई अपने सिलसिले की तारीफ करता है. चारों सलासिस एक जैसे हैं. बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पीर की गली से गुजर जाना हज के बराबर है. सेबुल फैज कलंदर सोरवर्ती रहमतुल्लाह अलैह आपने 36 के करीब तसनीफ लिखी हैं और उन किताबों में आपने जो हमें दर्स दिया वो यही है
اخوت محبت بھائی چارہ جی آپ نے اس کا ہمیں بہت ترس دیا ہے جس چیز سے میں بہت زیادہ یہاں پہ امپریس ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے ان کی درگاہ پہ اور اس کو گرد نوا میں آج تک کوئی غیر شرعی کام نہیں دیکھا یہی چیز میرے لیے سب سے بڑی محبت ہے اور مجھے خود بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہو تو آپ نے سختی کے ساتھ اس کو منع کرنا ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ السلام علیکم